Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Introduction to PHP series ke is video ke andar jo aaj topic aaj hum cover karenge wo hai multi dimensional. Viewers, agar abhi tak aapne mere channel ko subscribe nahi kiya to please mere channel ko subscribe lazmi kare. To mere channel ka jo address hai wo hai www.youtube.com/safdar. तो आते हैं जो आज के टॉपिक पे. टॉपिक आज का है जी मल्टी डिमेंशन इन अरेज इन पीएचपी. पीएचपी के अंदर मल्टी डिमेंशन अरे को हम कैसे यूज करते हैं, मल्टी डिमेंशन अरे क्या होती हैं, तो देखते हैं इसको थ्रू एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. तो पहले एक अरे डिक्लेयर करते हैं जी. यहाँ पे मैं यानी कि डॉलर साइन, उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सब्जेक्ट, एस यू सब्जेक्ट के नाम से, और यहाँ पर मैं अरेज अरे का फंक्शन लेता हूँ, और मैं यहाँ पर दो प्रोग्राम लेता हूँ प्रोग्रामिंग, और सिंगल कोड के अंदर इसको बंद कर देते हैं, इसको भी सिंगल कोड के अंदर बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी डबल कोड के सिंगल कोड के अंदर वेब प्रोग्रामिंग, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. अब ये मैंने जो अरे ली है इसके अंदर ये है कि मेरे पास एक अरे डिक्लेयर हो गई है जिसके अंदर मैं समझ लें कि दो मैंने वेरिएबल लिए हुए, सॉरी एलिमेंट लिए हुए, वैल्यू लिए हैं, एक प्रोग्रामिंग और दूसरी वेब प्रोग्रामिंग. अब मैं इसको एसोसिएट अरे के थ्रू मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अरे. अब मैं कहता हूँ जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना मेरे पास है जी सी लैंग्वेज है जी, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी सी प्लस प्लस है जी, उसके बाद जावा है जी, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी ओरेकल, और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ जी. उसके बाद इसी तरह मैं वेब प्रोग्रामिंग की एसोसिएट अरे बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी अरे, और वेब प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो मेरी लैंग्वेज आ रही है जैसे है जी मेरी पीएचपी है, उसके बाद मैं लेता हूँ जी जे एस पी है, उसके बाद है जी ए एस पी डॉट नेट है जी. अब इसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो ये कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमारी जो मल्टी डिमेंशनल अरे है ना वो हमने डिक्लेयर कर दी है. अब दोबारा एक दफ़ा देखते हैं वेरिएबल अरे का नेम जो है ना वो हमारे पास सब्जेक्ट है, अरे का फंक्शन यूज़ किया, ये मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने एसोसिएट इसको कर दिया है कि प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी डिमेंशन अरे यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर आती है सी है, सी प्लस है, जावा है और ओरेकल है. इस तरह वेब प्रोग्रामिंग को एसोसिएट मैंने कर दिया है इस अरे के साथ यानी कि पी एच पी है, जे एस पी है, ए एस पी डॉट नेट है. अब इसके अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू शो करवानी है, जैसे मैं चाहता हूँ जी कि इको यहाँ पे आ जाएगा डॉलर साइन सब्जेक्ट अरे नेम. अब मेरी वो एसोसिएट वैल्यू जिससे मैंने आगे उसको एसोसिएट किया हुआ है, और उसके बाद क्लोज कर देंगे. अब यानी कि इसका मतलब है कि मैं इसको टच कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग को. अब इसमें से जो आगे वाली वैल्यू शो करानी है, मैं चाहता हूँ कि मैंने सी प्लस को शो कराना है या सी को शो कराना है, तो मैं यहाँ पर अगर वन लिख दूँगा तो प्रोग्रामिंग के अंदर आगे जो वैल्यू मेरी वन को एसोसिएट होगी वो मेरी शो हो जाएगी. देखें इसको करते हैं तो ये देखें सी प्लस, यानी कि ये प्रोग्रामिंग पे आप गए, प्रोग्रामिंग के आगे ये जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये मेरी वन इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये टू इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये मेरी वैल्यू थ्री इंडेक्स के ऊपर वैल्यू मेरी जो है ना पड़ी हुई है. इसको मैं देखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर के फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे डॉलर साइन सब्जेक्ट और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज कर देंगे. तो इसको देखें, ये देखिए प्रोग्रामिंग है जी. प्रोग्रामिंग के अंदर आगे एसोसिएट हो गया रे, जीरो इंडेक्स पे सी पड़ी हुई है, वन इंडेक्स पे सी प्लस है, टू इंडेक्स पे जावा है, थ्री इंडेक्स पे ओरेकल है. वेब प्रोग्रामिंग एसोसिएट हो रही है रे को आगे, उसके अंदर जीरो इंडेक्स पे पी एच पी पड़ी हुई है, वन इंडेक्स पे जी एस पी पड़ी हुई है, और टू इंडेक्स पे आपकी ए एस पी डॉट नेट जो वैल्यू जो है ना वो पड़ी हुई है. तो इसी तरह अगर आपने यहाँ से ए एस पी डॉट नेट को शो कराना है, तो ए एस पी डॉट नेट जिस किसके अंडर आ रही है वेब प्रोग्रामिंग के अंडर आ रही है, तो यहाँ पे आपको वेब प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इसका इंडेक्स जो है ना वो टू इंडेक्स लिख देंगे. तो इसको देखें आप इसको
सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए मेरी ASP.NET वैल्यू जो है ना वो शो हो रही है। तो ये होता है मल्टी डिमेंशन अरे का तरीकाकार कि आपने अगर मल्टी डिमेंशन अरे लेनी है तो उसको कैसे आप ले सकते हैं। आप इसके अंदर फर्दर जैसे प्रोग्रामिंग है आप सी के अंदर फर्दर उसको ले सकते हैं, जावा के अंदर फर्दर ले सकते हैं, PHP के अंदर ले सकते हैं, फर्दर उसको मल्टी डिमेंशन की बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन को जेहन में रेज हो रहा है तो आप उसको कमेंट्स में डालें तो आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। ओके बाय।